मिठाई ऐसी जो मीठे के साथ साथ हेल्दी भी है। हाय फ्रेंड्स, मैं नेहा आज बनाने जा रही हूँ ओट्स लड्डू। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कप ओट्स लिया है, ये प्लेन ओट्स है, और आधी कप मखाना, ये बिल्कुल ऑप्शनल है बट ये हमारे लड्डुओं को एक हेल्दी टच देता है। इसको हमें एक से दो मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है जिससे इसमें एक अच्छी खुशबू आ जाएगी और ये क्रंची भी हो जाएंगे। तो इसका कलर जैसे ही थोड़ा गोल्डन हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने दें। जैसे ही ठंडा हो जाए तो इसको हमें एक ब्लेंडर में ट्रांसफ़र करके इसका फाइन पाउडर बना लेना है। ये देखिए ऐसे, तो हम इसे साइड में रख देते हैं। और कढ़ाई में आधी चम्मच घी लिया है मैंने, और इसमें मैंने डाला है थोड़े से चॉप किए हुए काजू, बादाम और थोड़ी सी किशमिश। इनको भी हम एक मिनट के लिए भून लेते हैं और इसको साइड में रख देते हैं। सेम पैन में मैंने यहाँ पर हाफ कप गुड़ लिया है, आप गुड़ की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1/4 कप पानी लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हमें 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। ओट्स लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो बहुत ही हेल्दी हैं। तो ये देखिए गुड़ भी अच्छे से बॉयल हो गया है। तो अब हम इस टाइम पर इसमें ऐड कर देंगे ओट्स के पाउडर जो हमने रेडी करके रखे थे। वन फोर्थ कप डेसिकेटेड कोकोनट और रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स। तो डेसिकेटेड कोकोनट ऑप्शनल है, आप यहाँ पर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है हमारे लड्डुओं में। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें और 1-2 मिनट के लिए इसे ठंडा कर लें। तो ये ठंडा हो गया है, अब हम इसे लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने हाथों पर ऑयल लगा लेना है, और आप अपने चॉइस के बड़े या छोटे कैसे भी लड्डू बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ, तो आप चाहे तो इसे ऐसे प्लेन भी रख सकते हैं और नहीं तो कोकोनट पाउडर में ऐसे इसे रोल भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये इससे लड्डू हमारी थोड़ी अच्छी दिखती है। तो ऐसे ही हमें सारे लड्डुओं को रेडी कर लेना है। तो इस दिवाली आप भी अपनी फैमिली को दें एक हेल्दी स्वीट जो टेस्ट के साथ साथ हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखे। तो ये देखिए हमारे सारे लड्डू बन करके रेडी हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो मैं यहाँ पर एक तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं एक और नए मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली।